नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य फार्म्स। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। ओडिशा के नायगढ़ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पता चलता है कि आज भी समाज के कुछ वर्ग कैसे अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। यहाँ एक गांव के लोगों ने एक मरे हुए शख्स को मंत्र तंत्र से जीवित करने की कोशिश की। मृतक का पोस्टमार्टम तक हो चुका था। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में ये हैरान करने वाली घटना नायगढ़ जिले में सारंगपुर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली बारासाही गांव में हुई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। 45 साल के राबी नाहक ने एक स्थानीय त्योहार डांडा नाचा में हिस्सा लिया था। इससे जुड़ी परंपरा के मुताबिक नाहक ने 36 घंटे तक कुछ नहीं खाया था। दो दिन पहले नाहक के बीमार पड़ने के बाद उसे जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, वहां उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रोटोकॉल के मुताबिक रविवार को पोस्टमार्टम हुआ और शव को करीबी लोगों को सौंप दिया गया। शव को गांव में लाया गया, लेकिन वहां मृतक का अंतिम संस्कार करने की जगह गांव वाले ने एक झाड़ फूंक करने वालों को बुला लिया। उसने मंत्रों के साथ मृतक की आत्मा को बुलाना शुरू किया। गांव वालों और नाहक के घर वालों ने भी इस भरोसे में प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि देवी काली और भगवान शिव मृतक को माफ करेंगे और वो दोबारा जी उठेगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और आखिरकार सोमवार शाम को गांव वालों ने नाहक का अंतिम संस्कार किया। आज के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य फार्म न्यूज।